हेलो दोस्तों मोनिट्रल अकेडमी में आपका स्वागत है तो जो आज की वीडियो है हमारी बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं माइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं तो माइकोलॉजी के अंदर हमारा ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है हमारा माइकोलॉजी जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है फंगी के मोल्ड्स क्या होते हैं ईस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में सो बेसिकली फ्रेंड्स अगर हम माइकोलॉजी की बात करें तो माइकोलॉजी के अंदर हम फंगी स्टडी करते हैं ठीक है माइको माइकोमीन्स फंगी एंड लॉजी मीन्स स्टडी ओके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि न्यू वीडियो के अपडेशन आपको मिलती रहे ठीक so है फ्रेंड्स सो फर्स्ट है हमारा फंगी सो so फ्रेंड्स फंगी क्या है हमारा इट कैन बी डिफाइंड एज यू कैरियोटिक मल्टीन्यूक्टेड स्पोर बियरिंग सो क्या है ये स्पोर बियरिंग एक्लोरोफिलस है इसमें क्या होता है ये मल्टीन्यूक्टेड होते हैं और यू कैरियोटिक होते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये हमारे होते हैं फंगी एंड हैबिटेट क्या है इसके अंदर हैबिटेट है फंगी आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन वाटर सोयल एंड एयर स्वोरोफाइटस और पैरासाइट्स सो so, क्या है जो फंगी है बेसिकली ये हर जगह प्रेजेंट है आप देखेंगे एयर में सॉयल में वाटर में ये हर जगह प्रेजेंट है हमारे जो ये हैबिटेट होते हैं फंगी होते हैं सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी क्या है फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी है न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स है हैोट्रोपिक एंड एब्जॉर्प्टिव होते हैं ये इसका सेलवोल सिटिन का बना होता है न्यूक्लियस इसका मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है एंड रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका सेक्शुअल और एसेक्सुअल बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं इसके अंदर फंगी के अंदर ठीक है तो फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो सम फंगी रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन वैन स्पोर जर्मिनेट अ ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्स कॉल्ड जर्म ट्यूब ओके अगर कोई फंगी है ठीक है वो क्या करता है स्पोर फॉर्मेशन करेगा ठीक है जब वो स्पोर फॉर्मेशन करेगा तो उसमें से पोर जो होंगे जर्मिनेट होंगे और ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन बनेगी जो इसे ये, ये क्या कहेंगे हम जर्म ट्यूब करेंगे ठीक है जर्म ट्यूब बोलते हैं उसे विच लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड हाइफी ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसे हम बाद में हाइफी कहते हैं ठीक है हाइफी में भी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट ये भी सैप्टेट और नॉन सेप्टेट सेट में, में डिवाइडेड है द मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसियम बोलते हैं उसको जो ये हेप्टेड होते हैं हाइफिज होते हैं जो मास ऑफ हाइपिज है इसको हम माइसि माइसियम भी बोलते हैं सो वेजिटेटिव माइसिलियम क्या है माइसिलियम दैट पेनिट्रेट दी कल्चर मीडियम एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट माइसिलियम क्या करता है कि कल्चर में जो मीडिया है कल्चर मीडिया है उसको पेनिट्रेट करता है और उसमें से जितने भी न्यूट्रेंट है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है रिप्रोडक्टिव और एरियल माइसिलियम दैट पार्ट पेनिट्रेट अप इन दर ये क्या होता है जो रिप्रोडक्टिव और एरियल माइसिलियम जो होते हैं एरियल जो होते हैं वो क्या करते हैं एयर से अपना जो न्यूट्रिय है वो लेते हैं ठीक है एक होता है जो उसके अंदर से करते हैं उसे माइसिलियम वेजिटेटिव माइसीलियम कहते हैं जो क्या करता है कल्चर प्लेट में जो मीडिया है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेता है और जो हमारा एरियल है एरियल माइसिलियम है वो एयर से न्यूट्रिएंट्स लेता है सेकंड वन इज हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बाय फर्मेंटेशन बर्डिंग ऑफ फ्यूजन सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फ्यूजन होगा बर्डिंग होगी ठीक है फर्गमेंटेशन होगा तो इसके अंदर हमारा जो आता है मोनोमॉर्फिक जो है जो हमारा मोनोमॉर्फिक डायमोर्फिक होते हैं मोनोमॉर्फिक सिंगल होता है डायमोर्फिक डबल होता है सो मोनोमोर्फिक मोमोॉर्फिक के अंदर मोल्ड्स आते हैं ईस्ट आते हैं ईस्ट लाइक फंगी आते हैं एंड डायमोर्फिक कौन कौन से होते हैं विथ टू टेम्परेचर टू टेम्परेचर टू मॉर्फोलॉजी इसके दो टेम्परेचर होते हैं और दो मॉर्फोलॉजी होते हैं हम इन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे मोल्ड ईस्ट एंड स्लाइस फंगाई ठीक है so, सो हमारा मोल्ड के अंदर क्या क्या आता है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एडर्मोफाइटन एस्परजुलस पेंसिलिन म्यूकस राइजोपस ठीक है ये हमारे सारे मोल्ड्स है ईस्ट कौन कौन से हमारे क्रिप्टोकोकस न्योफोर्मेस इस लाइक फंगी कैसे हमारा कैंडिडा है ठीक है डायमोर्फिक के अंदर क्या आता है ब्लास्टोमाइसिज आता है कोकाइडियोसिस जाता है हिस्टोप्लाजमा आता है ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स ये एग्जाम में जो एमसीक्यूज होते हैं एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेंगे किसी मोल्ड का नाम पूछ लेंगे मोल्ड्स के नाम कौन से हैं ईस्ट का नाम कौन सा है इस्ट लाइक फंगाई का नाम बताइए कैंडी डाइलिकन्स है डायमार्फिक में किसी का नाम बताइए आपको हिस्टोप्लाज्म है कोकाइडियोसिस है ब्लास्टोमाइसिस है ठीक है ये आपके क्या है डायमोर्फिक होते हैं जिसके दो टेम्परेचर होते हैं और दो मोर्फोलॉजी होती है ठीक है सो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोल्ड सबसे पहले हम मोल्ड्स पढ़ेंगे सो मोल्ड्स में हमारा क्या है दीज आर फिलामेंटस एंड माइसिलियल फंगी ये क्या होते हैं ये फिलाेंटल होते हैं और माइसीलियल फंगाई होते हैं दे फॉर्म अ मैस वर्क अ हाइफी कॉल्ड माइसिली इसमें हाइफी लाइक माइसिली होते हैं प्रेजेंट दी रिप्रोड्यूस दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रोडक्शन कैसे करते हैं एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है बर्डिंग फ्यूजन के थ्रू होता है ठीक है द मोल्ड द फंगल स्पोर्स टर्मिनेट ग्रो इन टू शेल्डर ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड हाइफी विच मे बी सेप्टेड और नॉन सेप्टेड ये क्या होते हैं ये किसी किसी पार्ट में सेप्टेड में डिवाइड होते हैं और कुछ कुछ नॉन सेप्टेड में भी डिवाइडेड होते हैं सो so, सबसे -सब सबसे पहले हमारा क्या आता है माइक्रोस्पोरम आता है हमारे मोल्ड में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है माइक्रोस्पोरम का माइक्रोस्पोरम पढ़ेंगे हम सो माइक्रोस्पोरम स्पीसीज इनफेक्ट हेयर एंड स्किन जो किसी को डिजीज होता है उसमें जो हमारा मोल्ड है अगर किसी को ये फंगी हुआ है माइक्रोस्पोरम तो ये बेसिकली किसको इन्फेक्ट करता है हमारे हेयर को और स्किन को इन्फेक्ट करता है ठीक है दी कॉलोनीज आर क्लाउडी पाउडर क्वालिटी होती है विद व्हाइट और ब्राउन इन कलर अगर हम इसे इसकी कॉलोनी को ग्रो करवाते हैं तो ये थोड़ी पाउडरी होगी क्लाउडी पाउडरी होगी और वॉलिटी कलर की होगी एंड व्हाइट ब्राउन कलर की भी हो सकती है सो माइक्रो कैंडिडा आर फ्यू और अपसेंट सो माइक्रो कैंडिडा इसके अंदर भी कुछ हो सकती है और अपसेंट भी हो सकती है नीं भी पाई जा सकती है माइक्रो कैंडिडा आर ह्यूमरस मल्टीसेप्टेड एंड क्लब शेप्ड ये क्या होता है माइक्रो कैंडिडा कैसा होगा ह्यूमरस मल्टीशेप्ड का होगा या फिर क्लब शेप का भी हो सकता है अगर मैं आपको माइक्रोस्पोरम की स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे ये हाइफी है हाइफी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माइक्रो कैंडिडा है माइक्रो कैंडिडा देख रहे हैं आप स्पोर्ट्स में बने हुए हैं ये क्या है नॉन सेप्टेड है नॉन सेप्टेड का मतलब यहां पर डिवाइडेड नहीं है अगर यहाँ पे ये यह डिवाइडेड होता है तो हम इसे सेप्टेड कहते हैं ठीक है ये नॉन सेप्टेड है सेकेंड वन इज ट्राइकोफाइटन फाइटन क्या है मोस्टली ट्राइको इनफैक्ट हेयर एंड हेयर एंडाइम स्किन एंड नेल्स अब क्या है जो ट्राइको है वो क्या कर रहा है आपके हेयर को स्किन को और नेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है एस डी ए मीडिया क्या है हमारा जो कॉलोनीज है उसमें पाउडरी कलर की आएगी वेलवेट एंड वैक्सीन अपियरेंस होता है इसका ठीक है सो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो कैंडिडा अरेन्ज इन क्लस्टर तो इसके अंदर जो है इस कल्चर मीडिया के अंदर जो माइक्रो कैंडिडा होगी ये क्लस्टर फॉर्म में अरेंज होगी एंड माइक्रो कैंडिडा आर स्कैंटी बट वेन प्रेजेंट दे आर इन लार्ज विद ब्लड एंड ठीक है तो ये क्या हो सकती है इन हो सकती है ब्लंड एंड के जरिए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइकोफाइटन का डायग्राम बना हुआ है इसमें हाइफी है हाइफी क्या है नॉन सेप्टेट है यहाँ पे है माइक्रोकोनिडिया माइक्रोकॉनिडिया आप देख सकते हैं जो बाहर क्यों निकला हुआ है ये हमारा हाइफी है जो कि नॉन सेप्टेट है सो so, एपिडेमोफाइटन है हमारा एपिडेमोफाइटन ये इनफेक्ट करता है हमारे स्किन को नेल को और हेयर को नहीं करता ठीक है द कॉलोनीज आर पाउडरी एंड येलोइश ग्रीन इन कलर इसकी कॉलोनी कैसी होगी पाउडरी होगी येलोइश होगी और ग्रीन कलर की होगी सो माइक्रोकोनीडिया आर एब्सेंट इसके अंदर क्या होता है माइक्रोकोनिडिया एबसेंट होता है यहां पर दो तरह के कॉनिडिया प्रेजेंट है एक माइक्रो एक मैक्रो मैक्रो माइक्रो क्या होंगे स्मॉल साइज के होंगे मैक्रो क्या होंगे लार्ज साइज के होंगे तो इसके अंदर जो है माइक्रो अपसेंट है यानी स्मॉल साइज के कोनीडिया अपसेंट है यानी लार्ज साइज के कोनीडिया इसमें प्रेजेंट है सो मैक्रोकोनिडिया आर क्लब शेप एंड अरेंज्ड इन क्लस्टर ये क्या होते हैं क्लब शेप के होते हैं थोड़े लार्ज होंगे और क्लस्टर फॉर्म में अरेन्ज होंगे मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा एपेडेमोफाइटन है एपेडेमोफाइटन कुछ इस तरह का दिखेगा इसमें आपको माइक्रोकोनिडिया नहीं दिखेंगे आपको मैक्रोकोनिडिया दिखेंगे ये देख रहे हैं ये सारे आपके मैक्रोकोनिडिया है ठीक है इसमें हाइफी कैसे होंगे सेप्टेट नहीं होते ये नॉन सेप्टेट होते हैं ठीक है हाइफी क्या है नॉन सेप्टेट है अब आता है हमारा एस्परजिलस एस्परजिलस क्या एस्परजिलोसिस जिलोसिस इज सिस्टमैटिक फंगल इन्फेक्शन एंड इट कॉज ईयर इन्फेक्शन एंड इट इज कॉल्ड एस्परजिलोसिस सो so, एस्परजिलस क्या है ये एक सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक फंगल इन्फेक्शन है जो क्या करता है कॉज करता है इन्फेक्शन और डिजीज जिसको हम एस्परजिलोसिस बोलते हैं ठीक है विच इज अ ब्रोंको पल्मनरी इन्फेक्शन विच इज कॉज बाय सेवरल स्पीशीज इज जीनस एस्परजिलस ठीक है ये ब्रोंको पलमनरी इन्फेक्शन होता है जो एस्परजिलस उसके थ्रू कॉज होता है द कॉलोनी आर पाउडरी एंड व्हाइट इन कलर बट लेटर देन ग्रीन ये क्या होता है इसकी जो कॉलोनी होगी पहले पाउडरी होगी और व्हाइट कलर की होगी फिर बाद में क्या होती है ये ग्रीन हो जाती है ठीक है सो वेसिकल्स इज कवर्ड विद सेट्रीट्स हाइफी इज सेप्टेड इसमें क्या होगा जो हाइफी होंगे सेप्टेड होंगे मैं दिखाती हूँ आपको सेप्टेड हाइफी कैसे होते हैं तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा एसपर है एस्परजिलस के अंदर स्वग्री मेटा होता है आप देख सकते हैं वेसिकल होते हैं इसमें कॉनिडियो फोर है यहां पर यहाँ पे फूड सेल भी प्रेजेंट है हाइफी कैसे है सेप्टेड है आप देख रहे हैं है, ये सेप्टेड है सेप्ट ये डिवाइडेड है ठीक है तो ये सेप्टेड है स्पीशीज so, कौन कौन सी है इसकी एस्परजिलस की एस्पर जिलस नाइजर एस्पर जिलस फेमेगिटिस है एस्परजिलस फ्लेवर्स क्या है एसपरजिलस नाइगर जो है ब्लैक कलर कॉलोनी होती है एस्पर जिलस फेमेडस का ग्रीन कलर कॉलोनी होती है एस्परजिलस फ्लावर्स का गोल्डन येलोइश कलर कॉलोनी होती है ठीक है तो हर स्पीशीज की अपनी अलग अलग कॉलोनी फॉर्म होती है ठीक है पेनिसिलिन पेनिसिलम ठीक है पेनिसिलिन पेनिसिलम पेनेसिलम काजेस इनफ्लामेशन ऑफ डिफनेस इन ईयर और डिजीज ऑफ कॉर्निया सो बेसिकली क्या है ये हमारे आंखों को इफेक्ट कर रहे हैं हमारे कान को हमारे ईयर को इफेक्ट कर रहे हैं ऑन एस डी एंड कॉलोनी आर पाउडरी विद वाइट और व्हाइट कलर विच लेटर टर्न इन ब्लू ग्रीन ये भी क्या है ये पाउडरी व्हाइट कलर की होगी एंड देन क्या होगा ये ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा ठीक है इसकी कॉलोनी सो कॉनिडियो फोर आर ब्रांचेड इन हैव ब्रश लाइक हैड स्ट्रिक मैटा ऑन विच कोनीडिया आर प्रेजेंट हाइफी सेप्टेट एंड ब्रांस इसकी हाइफी भी क्या है सेप्टेट है और ब्रांसड है सो ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये पेनिसिलम है पेनिसिलम का क्या है कोनीडिया यहाँ प्रेजेंट है स्ट्रिक प्रेजेंट है यहाँ पर एंड हाइफी कैसे है सेप्टेट फॉर्म में है एंड कॉनिडियो फोर भी यहाँ प्रेजेंट है ठीक है जो क्या है ये हाइफी जो सेप्टेट है उसके साथ अटैच है यहाँ पर स्ट्रिक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रिक है एंड कॉनिडिया यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रेंड अब आता है हमारा म्यूकर म्यूकर क्या है इट कॉजेज ऑफ आई ब्रेन एंड लंग्स ये क्या करता है सीधा ब्रेन को इफेक्ट करता है हमारा म्यूकर सो so, इट uh, ये जो एस डी ए मीडिया है इसके ऊपर क्या है ग्लेशियर कॉलोनी आती है ग्रेश कॉलोनी आएगी इसके ऊपर ग्रीन कलर की आपको दिखेगी हाइफी इसका हाइफी कैसा होता है नॉन सेप्टेड होता है ठीक है हाइफी आर बोर्ड विथ थिन वॉल मोस्टली नॉन सेप्टेड स्पोर्जियो फॉर आर ब्रांच बियरिंग स्पेरिकल स्पोरेंजिया एट लिप ऑफ ईच ब्रांच ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे जो इसका नॉन सेप्टेट एरिया है जहां पर ब्रांच फॉर्मेशन होती है वहां पर क्या है बहुत थिन लेयर होती है ठीक है स्पोरेंजिया आर मोर और लेस ग्लोब्स एंड ऑल आर ऑफ सम टाइम सो स्पोरेंजियम होता है यहां पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी स्पोरेंजियम काफी कम अमाउंट में होते हैं बहुत ही लेस होते हैं और क्या करते हैं कुछ टाइम बाद ये बस्ट हो जाते हैं और फैल जाते हैं सो वेन स्पोरेंजिया रप्चर फ्रेगमेंस एंड वॉल रिमेन्स एट बेस ऑफ कॉल्यूम में लिए क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे जब स्पोरेंजर रापचर होंगे तो क्या होगा वो उसके जो स्पोर्स होंगे वो हर जगह फैलेंगे एयर के थ्रू तो स्पोरेंज आर द ग्लोब ओवल और सिलेंड्रिकल विद स्मूथ वॉल ये क्या होते हैं बहुत ही स्मूथ वॉल के होते हैं बहुत ही थिन लेर के होते हैं क्योंकि जब ये रापचर होते हैं तो ये पूरी तरह से फैल जाते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है स्पोरेंजियम सो so, इसके अंदर जो फिल है वो है एंड देन ये नॉन सेप्टेड हाइफ यहाँ पर प्रेजेंट है सो यह so, डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इसके अंदर क्या था अब आता हमारा राइजोपस राइजोपस भी कुछ स्पोरेंज म्यूकर की तरह ही है इसके कुछ करेक्टर्स डिफरेंट है राइजोफोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सो राइजोपस इट कॉज इन्फेक्शन आई ब्रेन एंड लंग्स ये भी क्या करता है आई ब्रेन और लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है और ये ग्रेश कॉटन कॉलोनी प्रेजेंट करता है जो हमारा म्यूकर था वो कैसे कर कैसी कॉलोनी करता था ग्रेश कॉलोनी ये ग्रेश कॉटन कॉलोनी अपीयर करता है सो हाइफे इज नॉन सेप्टेड इसकी हाइफी भी नॉन सेप्टेड होती है जो वॉल होती है सब मार्जड होती है ऑल एरियल स्टॉलन एंड ब्राउन रूट लाइक शॉर्ट ब्रांचेज होती है इसकी दिस फोरेंजिया आर ग्लोब्स ये इसके ग्लोब्स बने होते हैं आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू ये ऊपर जो है लोब बनी होती है इसकी एंड टर्न डार्क ब्राउन ये डार्क ब्राउन की हो जाती है एंड ग्रे टू ब्लैक भी हो सकता है ग्रे और ब्लैक भी हो सकती है स्पोरेंजियस स्पोर्ट्स सो so, यहाँ पे स्पोरेंजियस स्पोर्ट्स प्रेजेंट है जो आप देख रहे हैं राउंड शेप का देख रहे हैं ये स्पोरेंजियम है स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियस स्पोर्स फिल है ठीक है यहाँ पे हमारा स्पोरेंजियस स्पोर्स है नॉन सेप्टेड सेप्टे है एंड यहाँ पर राइज भी प्रेजेंट है राइज आप रूट्स की तरह देख सकते हैं यहाँ पे निकले हुए हैं ये राइजो राइजोफर्ड्स भी है यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइफि दिखेंगे नॉन सेप्टेड ठीक है हमने मॉल्ड फिनिश कर दिया है फ्रेंड्स अब हमारा आता है ईस्ट ईस्ट क्या है द दस्ट आर यूनिसेलुलर फंगी विच रिप्रोड्यूस बाय एस एक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन एज बडिंग एंड ब्लास्टोस्पोर्स फॉर्मेशन विद नैरो एंड ब्रॉड शेप ब्रॉड बेस बर्डिंग और बाय फ्यूजन सो ट्रांसवर्स सेप्टम फॉर्मेशन सीन इन डायमोर्फिक फंगी फंगस सो ईस्ट हमारा क्या है यूनि सेलोलर फंगी है जो रिप्रोड्यूस करता है एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बडिंग होती है ब्लास्टोमस फॉर्मेशन होते हैं और जो उसका नैरो होता है वो थोड़ा बॉड होता है ठीक है और इसके अंदर फ्यूजन भी होगा सो so क्या है ये किसके अंदर देखने को मिलता है ये फॉर्मेशन जो है ये डायमॉर्फिक फंगस होते हैं ठीक है उसके अंदर देखने को मिलेगा सो so हमारे ईस्ट में एक ही नाम है हमारा क्रिप्टोकोकस न्योफॉर्मिस सो हम हम पढ़ने वाले हैं क्रिप्टोकोकस न्योफॉर्मिस जो क्या है ट्रू ईस्ट है सो so, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें हम क्रिप्टोकोकस कोकायोसिस इज एन एक्यूट सब एक्यूट और क्रॉनिक फंगल डिजीज कॉज बाय क्रिप्टोकोकस कोकस क्रिप्टो क्या है एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कॉज होता है क्रिप्टोकोकस क्रिप्टोकोकनियोफॉर्मिन से इट कॉज इन्फेक्शन टू लंग्स इन एंड इन ब्रेन इट प्रोड्यूस माइकॉटिक मैनेजाइटिस विच इज फेटल सो क्या है ये क्या कॉज करता है सीधा ब्रेन और लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है जिससे क्या होता है माइकॉटिक प्रोड्यूस करता है माइकोटिक मैनेजाइटिस ये क्या होता है फेटल होता है ठीक है द डिजीज इज यूजली एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज पेशेंट विच कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी एज अ कंसिक्वेंस ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन स्ट्रोयड एडमिनिस्ट्रेशन कैंसर कीमोथेरापी डायबिटिक एक्सेट्रा सो ये जो ये जो ये डिजीज है यूजली जो, जो इन्फेक्शन हो रहे पेशेंट को इससे क्या होता है इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है वो उसको एच आई वी इन्फेक्शन भी हो सकता है एस्ट्रोयड एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है कैंसर थे कीमोथेरेपी भी और डायबिटिक एक्सेक्ट्रा के चांसेस भी हो सकते हैं सो फ्रेंड्स ये डिजीज होती है बेसिकली क्या है इसके अंदर हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है तो इससे क्या होता है हमारा इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और कई सारे डिजीजेस भी होने के चांसेस होते हैं सो क्रिप्टोकोकस न्योफॉर्मस इज है ईस्ट so, देयर आर फाइव सीरोप इसके क्या होता है फाइव सीरो टाइप है क्रिप्टोको न्यूफॉर्मेंस ए बी सी डी एंड ए डी ठीक है ये फाइव टाइप्स की है एस डी ए मीडिया पर तीस से पैंतीस डिग्री सेल्सियस पर एक वीक के लिए इसमें क्या होता है जब हम रखेंगे तो इसमें क्रीमी मिक्योर्ड कॉलोनी प्रेजेंट हो जाएगी ठीक है सो वैन स्टेन विद ग्राम स्टेनिंग इज अ पियर एज ग्राम पॉजिटिव ओवल सेल अगर हम क्या करेंगे जब ये जो कॉलोनी बनेगी इसकी स्टेनिंग करेंगे हम ठीक है तो ये ग्राम पॉजिटिव ओवल सेल आएंगे इसमें ठीक है इट इज कैप्सुलेटेड ये कैप्सुलेटेड होंगे एंड दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस हुआ है दे हैव डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोस्पोर्स इसके डॉटर सेल जो होंगे वो ब्लास्टोस्पोर्स होंगे एंड देर आर ओवल ठीक है ये ओवल शेप का होगा राउंड शेप का एंड थर्टी फोर स्पीज ऑफ क्रिप्टोकोकस टू कटेगरीज इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और नॉन नियोफॉर्मेंस जो नॉन नियोफॉर्मेंस है वो कैंडिडा एल्बिकन है और क्रिप्टोकोकस एल्बीड्यूस है और ये क्रिप्टोकोकस लियोरेथी है ठीक है ये टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको सो so, अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर की बात करूं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं ऊपर आपको कैल्स कैप्सुलस दिख रहे हैं अंदर क्या है बडिंग सेल है ठीक है इसका डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा कैप्सूल बाहर बडिंग सेल अंदर दिखेगी ठीक है एंड देन हम लास्ट सी पढ़ने वाले हैं ईस्ट लाइक फंगी ईस्ट लाइक फंगी के अंदर हमारा आता है कैंडिडा एल्बिकस ठीक है जो नॉर्मल फ्लोरा है सो कैंडिडा एल्बिकन क्या है हमारा नॉर्मल फ्लोरा है कैंडिडिया इज दॉमनेस्ट फंगल डिजीज फाउंड इन ह्यूमन अफेक्टिंग इन म्यूकोसा स्किन नेल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स सो so, कैंडिडा क्या कॉज करता है कैंडिया कॉज करता है जो बेसिकली क्या है एक फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोसा स्किन और नेल के इंटरनल ऑर्गन में हो सकता है इट इज कॉज बाय वेरियस स्पीशीज और ईस्ट लाइक फंगाई बिलोंगिंग टू जीनस कैंडिडा विद कैंडिडा एल्बिकस ये क्या कहते हैं काफी सारे जो स्पीसीज uh, होते हैं उसकी जो स्पीशीज है बेसिकली कैंडिडा एल्बिक्स की वो डिजीज कॉज करती है जिसमें से एक है हमारा कैंडिडा एल्बिकन्स सो द इन्फेक्शन मे बी एक्यूट और कॉरोनी, क्रॉनिक सुपरफिशियल और डीप सो इन्फेक्शन क्या है जो इन्फेक्शन हो रहे हैं कैंडिडा एल्बिकन से जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है और सुपरफिशियल भी हो सकता है और डीप भी हो सकता है इसका मतलब उसका इलाज भी है और नहीं भी है और वो क्या होता है आपके स्किन के ऊपर भी हो सकता है या फिर आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है सो ऑन एच डी मीडिया कॉलोनी द स्मूथ क्रीमी व्हाइट और म्यूक्योडर करेक्टरिस्टिक ईस्ट ऑर्डर सो क्या है जो ये मीडिया है इसके ऊपर क्या है स्मूथ क्रीमी कॉलोनी व्हाइट कलर की आएगी एंड म्यूकोअ आएगा एंड करेक्टरिस्टिक ईस्ट ऑर्डर आएगा ठीक है इन ग्राम स्टेन स्मियर इज अपेयर एज ग्राम पॉजिटिव ओवल स्पेरिकल बडिंग सेल सो ये जो इस ग्राम स्टेन है इसके अंदर जो अपेयर होगी वो ग्राम पॉजिटिव ओवल स्पेरिकल बडिंग सेल्स होती हैं इन वेट माउंट थिन वॉल बडिंग सेल एंड सुडोमाइसीलिया आर सीन विच हैव क्लस्टर और ब्लास्टोसपोर्स ठीक है mount, जो वेट माउंट अगर हम करते हैं इसके थिन वॉल का तो जो बडिंग सेल्स है सूडोमाइसीलिया ये सीन होते हैं हमें क्लस्टर और ब्लास्टोमर्स फॉर्म में ठीक है दे आर वन सिक्सटी थ्री एनामोर्फिक स्पीसीज ऑफ जीनस कैंडिडास जो इसके अंदर क्या है वन सिक्सटी थ्री एनामोर्फिक स्पीसीज प्रेजेंट है कैंडिडा की ठीक है नियरली ट्वेंटी ऑफ दिस स्पीसीज आर कंसिडर्ड टू बी साइंटिफिक सिग्निफिकेंट पैथोजेंस कॉजिंग वेरियस इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स जिसमें से क्या है ट्वेंटी ऐसे फाइंड किए गए हैं जो सिग्निफिकेंटली पैथोजेंस कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर ठीक है स्पीसीज कौन से कैंडिडा एल्बिकन्स है कैंडिडा कुसेई है क्रूसेई एंड कैंडिडा ट्रॉपिकल्स है और कैंडिडा ग्लोबरेट कैंडिडा पैराफिलोसिस ठीक है ये सारी स्पीसीज क्या है वेरियस इन्फेक्शन कॉज करती है ह्यूमन्स के अंदर आप देख सकते हैं कैंडिडा एल्स एल्बिकेंस का डायग्राम है यहाँ पर सुडो प्रेजेंट है ब्लास्ट स्पोर्ट्स प्रेजेंट है यहाँ पे एंड यहाँ पर भी प्रेजेंट है यहाँ पर सो so, आप देख सकते हैं ये कैंडिडा एल्बिकेंस का डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है बहुत ही ईजी है ये यह। यहाँ पर ब्लास्टर्स स्पोर्ट्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे सो so, देन हमारा है पहले हमने मोरमॉर्फिक पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स मोरो में हमने पढ़ा है मोल्स ईस्ट और इस्ट लाइक फंगी ठीक है अब हम पढ़ेंगे डायमोरफिक मोनोमोर्फिक हम पढ़ चुके हैं कवर कर चुके हैं एंड अब हम पढ़ने वाले हैं डायमोर्फिक दा, तो डायमोर्फिक के अंदर है क्या बेसिकली दे चेंज चेंज इन आर टी दे आर फिलामेंटस विद एट बॉडी टेम्परेचर दे चेंज टू फॉर्म ठीक है सो इसके अंदर क्या है जो टेम्परेचर भी चेंज होते हैं वो टू टाइप से चेंज होते हैं ठीक है सो देल्प फंगी टू सरवाइव आउटसाइड बॉडी ये क्या करता है जो टेम्परेचर है जो ह्यूमन बेसिकली क्या है जो फंगी है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं तो ये क्या करता है फंगी को आउटसाइड सर्वाइव होने में भी हेल्प करता है टेम्परेचर ठीक है सो दे इनफैक्ट इनफेक्ट लंग्स स्पाइनल कोड बोन मैरो सिस्टम ये क्या करता है हमारे लंग्स को इफेक्ट कर देता है हमारे स्पाइनल को डैमेज कर देता है हमारे बोन मैरो को भी इन्फेक्ट कर देता है हमारे रिनल सिस्टम को ही इन्फेक्ट कर सकता है ठीक है सो ईस्ट फॉर्म कैन बी सीन इन वेट माउंट और अ सॉलिड मीडियम सो सॉलिड मीडियम के अंदर हम ईस्ट को देख सकते हैं और वेट माउंट करके भी देख सकते हैं इसके अंदर सबसे फर्स्ट है तुम्हारा ब्लास्टो एक्यूट और क्रॉनिक सिस्टमैटिक फंगल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स सो ब्लास्टोमाइसोसिस क्या है एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन है हमारे लंग्स के अंदर द डिजीज इज कॉज बाय द डिजीज इज कॉज बाय ब्लास्टोमाइसिस डरमेटिस ठीक है ब्लास्टोमाइसिस डरमेटिस के थ्रू क्या होता है ये ब्लास्टोमाइकोसिस कॉज होता है ये डिजीज का नाम है सो ब्लास्टोमाइसिस डरमेटिस इज थर्मली डायमोफिक ठीक है फंगस होते हैं ये और एग्जिस्टिंग इन अ स्पेरोट्रोफिक एज माइसियल फेस एट एम्बियन टेम्परेचर सो बडिंग इसल विद साइज ऑफ एट टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर सो बडिंग ईस्ट का जो साइज होगा वो एटीन टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर होगा एंड जो ईस्ट की करेक्टर स्टिक होगी वो कैसी होगी थिन होगी और डबल होगी ठीक है so, सो फ्रेंड्स यहां पर आप ये देख सकते हैं ये ईस्ट फॉर्म है जो क्या है ईस्ट फॉर्म कैसे हो रहा है बॉडी टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस पे यानी आउट आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी ईस्ट ईस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे एंड 25 डिग्री सेल्सियस ये क्या है ये बॉडी टेम्परेचर ये रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे तो कुछ इस तरह के दिखेगा न्यूक्लियस आपको दिखेंगे फिलामेंटस फॉर्म आप दिखेंगे आपको सेगमेंट में डिवाइड होंगे ठीक है सेप्टम में और ये क्या है सेप्टेट हाइफी मैंने आपको कहा था कि जो सेप्टेड हाइपी है वो सेप्टेड हाइपी में डिवाइडेड है और नॉन सेप्टेड क्या होंगे नॉन सेप्टेड सेप्टेड बिल्कुल प्लेन होते हैं उसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है है ठीक सो कोकाइडियोडोमाइकोसिस कोकाइडियोडोमाइकोसिस पढ़ने वाले हम फ्रेंड सेकंड नंबर पे जो हमारा डायमोर्फिक फंगी है कंफ्यूज मत होगा बहुत इजी टॉपिक है आप इजिली समझेंगे बहुत ईजी समझ में आएगा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये सो फ्रेंड्स कोकाइडियोडोमाइकोसिस इज अ प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन सो वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड इट कॉज बाय इनहलेशन एट टू नीयरली आइडेंटिकल फंगल स्पीसीज बिलोंगिंग टू जीनिस कोकाडियोटिस सो इसके अंदर क्या है ये बेसिकली हमारे जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है ये ठीक है सो इसके अंदर क्या है कोका्डियो डोमाइकोसिस सो इमिटिज एंड पोसाडोसी विच इज डायमोफिक इन नेचर हम डायमोर्फिक फंगाई पढ़ रहे हैं तो इसका नेचर कैसा है डायमोर्फिक नेचर है सिजिटिव ऑर्गेनिज्म सिद्ध डोमाइकोसिस आर डायमोर्फिक फंगाई एग्जिस्टिंग इन टू फॉर्म्स ऑफ माइकोइड एंड एम्बियन टेम्परेचर इन द इनवायरमेंट सो क्या है ये क्या करता है दो तो टेम्परेचर पे ग्रो कर लेता है एक रू बॉडी टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकता है और एक रूम टेम्परेचर पे भी ये ग्रो कर सकता है सो ऑन एस डी मीडिया द कॉलोनी आर वाइट विद कॉटनी अपियरेंस सो एस डी पे ये क्या होगी जो ये मीडिया हो गया एसडीए मीडिया पे कॉलोनी व्हाइट कलर की आएगी या कॉटन अपियरेंस होगा देन फैक्टिव स्पेसिमेंट सो इज लाइक मोइस्ट कॉलोनी विथ स्फेरल एंड कंटेन ह्यूमस एंड स्पोर्ट्स सो क्या है ये जो स्पेसिमेंस है बेसिकली जो ईस्ट लाइक मोइस्ट कॉलोनी है वहां से हम इनफेक्टिव स्पेसिमेस लेते हैं एंड कंटेन ह्यूमेस एंड स्पोर्ट्स कंटेन करते हैं ये द इनफेक्टेड क्लिनिकल मटेरियल स्पेसिमेन शुड बी भी कलेक्टेन कल्टिवेशन वेल स्टॉप्ड नैरो नेक बॉटल और कल्चर ट्यूब स्लैंट कंटेनिंग एस डी अगार ब्लड अगार ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार सो क्या है जो इन्फेक्टिव क्लिनिकल मटेरियल्स हैं बेसिकली जो स्पेसिमेन है वो क्या करते हैं हम कलेक्ट करते हैं कल्टिवेटेड वेल स्टॉप नैरो बॉटल में ठीक है ताकि कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो सो दी कॉलोनीस एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस अपेयर विथ थ्री टू फाइव डेज विच आर इनिशियली मोइस्ट एंड स्मूथ बट रेपिडली बिकम शूड लाइक धोनी ग्रेस वाइट विद टेन टू ब्राउन अंडर साइड सो क्या है अगर हम पच्चीस डिग्री सेल्सियस फेस को रखते हैं इसकी कॉलोनी अपेयर करते हैं थ्री टू फाइव डेज में हमें स्मूथ कॉलोनी देखने को मिलती है तो यहां पर आप देखेंगे कि दो टेम्परेचर दिए हुए हैं एक बॉडी टेम्परेचर पे ग्रो किया है एक ट्वेंटी फाइव डिग्री टू ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ है सो ईस्ट फॉर्म इसका स्पैरल आएगा एंडोस्पोर्स आएंगे इसके अंदर एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये सेप्टेड फॉर्म में है और इसमें ऑर्थोकोनिडिया है एंड फिलामेंटस फॉर्म में ये प्रेजेंट है फ्रेंड्स अब हमारा आता है सबसे लास्ट हमारा थर्ड है हिस्टोप्लाज्मोसिस हिस्टोप्लाजमोसिस क्या है हमारा हिस्टोप्लाज्मोसिस सिस्टमैटिक ग्रेनुलर कॉज बाय थ्री वेराइटीज ऑफ डायमोर्फिक फंगाई ओ थ्री मोर डायमॉर्फिक फंगाई कौन से हैं हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम हिस्टोप्लाज्म डिबोएसी एंड हिस्टोप्लाज्मा फैसिमिनोसम द फर्स्ट केस ऑफ हिस्टोप्लास्मोसिस इज रिपोर्टेड ऑन 7 दिसंबर first, जो फर्स्ट जो सेफ दे केस देखा गया था हिस्टोप्लाज्म प्लास्मोसिस uh, का वो 7 दिसंबर को देखा गया था 1905 में देखा गया था बाय सेमला जो डार्लिंग उसका नाम है उसके थ्रू देखा गया था एंड परफॉर्मिंग अटोपसी वो क्या कर रहा था अटोप्सी परफॉर्म कर रहा था पेशेंट को क्या था पेशेंट इन पनामा पनामा में था एंड बिलीविंग इट टू इन कैप्सुलेटेड प्लाजमोडियम सो so, फ्रेंड्स ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू था जब वो जो हमारा सैमुले जो था उन्होंने क्या किया था वो अटॉपसी परफॉर्म कर रहे थे तभी उनको पेशेंट के अंदर ये दिखा कि जो से, जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है उनको ये चीज़ दिखी पेशेंट के अंदर ठीक है द दिक्जिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुल कैप्सुलेटम इन थर्मली डायमॉर्फिक फंगल एंड टेक लॉन्गर टाइम एस प्राइमरी आइसोलेशन सिक्स वीक इसे क्या है हिस्टो जो प्लाज्मा है प्लाज्मा इसको ग्रो होने में भी काफी टाइम लगता है कितना ये छह सप्ताह का टाइम ले लेता है ऑन एस डी एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस थर्टी डिग्री सेल्सियस सैलियल कॉलोनीज भी इसके ऊपर अपियर होती है सो वेन दी माइसिलियल ग्रो इन इंक्यूबेटेड एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एनरिच मीडिया सो सच एज बी एच आई ब्रेन हार्ट इनफ्यूजन अगार विद ब्लड एंड कैंडिडा जर्मिनेट एट गैट कन्वर्टेड टू ईस्ट सेल सो हिस्टोप्लाज्मोसिज इज एन इन फैक्शन हिस्टोप्लाज्मोसिज एन इन फैक्शन इज रेटिकुलस्टम इज सी एन एस सिस्टम सो हिस्टोप्लाज्मो क्या है सर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है सो अ वेट माउंट सैम्पल शो ओवर सेल प्रजेंट सिंगली एंड अ क्लस्टर फॉर्म आप देख सकते हैं जो ईस्ट सेल है वो ओवल शेप की देखेगी बेसिकली थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रो करवाया है एंड देन ये जो आपको दिख रहा है ये फिलामेंटस फॉर्म में है एंड ये ट्वेंटी फाइव तो टू थर्टी डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे ग्रो किया हुआ है माइक्रोकोनिडिया प्रेजेंट है और माइक्रोकोनिडिया भी प्रेजेंट है so, सो माइक्रो और माइक्रो दोनो कोनीडिया इसके अंदर प्रेजेंट है so, सो ये था हमारा हिस्टोप्लाज्मा ठीक है हिस्टोप्लाज सो फ्रेंड्स हमारा माइकोलॉजी यहीं पे फिनिश होता है माइकोलॉजी के अंदर हमारा यही था मोनोमॉर्फिक डायमॉर्फिक हमने मोनोमॉर्फिक पूरा कवर कर लिया है डायमॉर्फिक पूरा कवर कर लिया है मोनोमॉर्फिक के अंदर हमने पढ़ लिया मोल्ड ईस्ट और इट्स लाइक फंगाई ठीक है सो अब हमने डायमॉर्फिक पढ़ लिया डाय के अंदर हमने पढ़ा ब्लास्टोमाइसोसिस कोकाडियोसिस हिस्टोप्लाज्म हमने पढ़ लिए हैं एंड देन फ्रेंड्स इसके हमने पढ़े क्या क्या इन्फेक्शन कॉज होता है इसको किस चीज़ पे ग्रो कराएंगे इसकी कॉलोनी कैसे दिखेगी सो so, हमारा जो माइकोलॉजी है बेसिकली इसके अंदर यही था सो so, हमारा टॉपिक आज यहीं पे फिनिश होता है सो so, इसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपके और भी टॉपिक्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सजेस्ट कर सकते हैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर आपको अब वीडियो के अपडेशन चाहिए तो से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फ्रेंड्स हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे हम अपने क्यूज कंपटीशन कर रहे हैं क्यूज डाल रहे हैं आप वो क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं छह बजे हम हर शाम को छह बजे उसमें क्यूज एड होता है आप क्यूज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच